सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। तो इसमें दो कैटेगरी है, एक तो फुल वेव रेक्टिफायर है और एक है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम लोग सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर जो है कंसिडर करेंगे। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब समझ जाते हैं। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब है ये जो एसी सप्लाई देंगे सिर्फ उसके हाफ वेव पर ही काम करेगी, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल पर ही काम करेगी, नेगेटिव हाफ साइकिल पर ये काम नहीं करेगी। तो सिंगल फेज कंट्रोल्ड कंट्रोल वेव सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का पहले सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह है, ये रहा मेरा एसी सप्लाई, ठीक है, और यहां पर मैं एक थायरिस्टर लगा रहा हूं और थायरिस्टर का ये गेट टर्मिनल है। यहां एज्यूम ये करना है कि ये जो गेट टर्मिनल है इसका, ये ट्रिगरिंग सर्किट से कनेक्टेड है। यहां क्या एज्यूम करना है कि ये ट्रिगरिंग सर्किट से कनेक्टेड है और हम लोग इसको ट्रिगर कर सकते हैं किसी भी फायरिंग एंगल पर, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना फायरिंग एंगल पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं। ये बात दिमाग में रखनी है। जितनी भी डायग्राम आगे मिलेगी, आप लोग अगर कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी ये इसके साथ फिलहाल कोई सर्किट दिया हुआ नहीं रहेगा, बाय डिफॉल्ट वो मान लेना है कि वो ट्रिगरिंग सर्किट से कनेक्टेड है, जो ट्रिगरिंग सर्किट हम लोग प्रीवियस टॉपिक्स में जो है कंसिडर किए हैं। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर रजिस्टर, रजिस्टर ही ले रहे हैं। आगे जाकर हम लोग इंडक्टर के लिए डील करेंगे, अभी फिलहाल रजिस्टर के लिए डील करते हैं क्योंकि रजिस्टर और इंडक्टर के वर्किंग पे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले हम लोग रजिस्टर समझ लेते हैं क्योंकि रजिस्टर समझना हमारे लिए आसान है। तो लेट से दिस वन इज रजिस्टर, ठीक है, यही मेरा लोड है और इसके अक्रॉस का जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है, वी नॉट। इसका हम लोग वेव डायग्राम बनाएंगे। ये मेरा थायरिस्टर हो गया, डेफिनेटली ये एनोड है, ये कैथोड है और ये गेट टर्मिनल है जो ट्रिगर सर्किट से कनेक्टेड है। यहाँ पर हम लोग वी एस ऑफ टी ले लेते हैं, ठीक है, वी एस ऑफ टी, और वी एस ऑफ टी जो है आपका, और वी एस ऑफ टी जो है आपका कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम साइन ओमेगा टी, जहां पर ओम उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये है इसका बेसिक सर्किट डायग्राम सिंगल फेज, क्योंकि सप्लाई सिंगल फेज है, और हाफ वेव, हाफ वेव है क्योंकि ये हाफ वेव पर ही काम करेगी, फुल वेव पे काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ये वाला जो डायग्राम है, ये वाली, ये डायग्राम मैं यहां बना देता हूं, यानी कि इसका वेव डायग्राम, ठीक है। तो मैं इसका वेव डायग्राम यहां पर बना रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इसका पिक वैल्यू दिखाना है, यानी कि ये वी एम और ये माइनस वी एम यहां दिखाना है, ठीक है, हो गया। उसके बाद आप जैसे एसी एसी सोर्स का सप्लाई जैसे आप बनाते हैं वेव डायग्राम, आप वैसे इसको बना दीजिए, ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। इसको हम लोग को ऐसे बना देना है, ठीक है, ये कंटिन्यू रहेगा, आप इसको जहां तक चाहें आप इसको ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये हो गया। अब यहां पर मैं जो गेट पे पल्स दूंगा, गेट पे जो पल्स दूंगा, ठीक है, उसका मैं डायग्राम यहां पर बना रहा हूं। तो गेट पे पॉजिटिव पल्स दिया जाता है, इसीलिए मैं इसे नीचे का पोर्शन नहीं बनाया हूं, ठीक है। और गेट में जो करंट जाएगी उसका नाम क्या दिया हूं, आईजी, आईजी मतलब गेट करंट, ओके। अब आते हैं इसका वर्किंग। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग को हम लोग दो मोड में कंसिडर कर सकते हैं, यानी दो मोड में हम लोग इसको, इसके पूरे फंक्शनलिटी को, वर्किंग को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट मोड जिसमें है हाफ पॉजिटिव साइकिल कंसिडर करेंगे और नेक्स्ट में नेगेटिव हाफ साइकिल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले यहां मोड वन लिखता हूं, ठीक है, आप लोग नोट्स जो है बोर्ड से भी बना सकते हैं, नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दिया गया है, या फिर दोनों मिक्सअप करके भी आप चाहें तो बना सकते हैं, ओके। तो मोड वन, तो यहां मैं लिख देता हूं फोर पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, नोट्स अपने कन्वीनियंट बनाइएगा, ठीक है, वैसे सफिशियंट मटेरियल प्रोवाइड कर दी गई है। फोर पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, यानी कि इसके लिए, ये वाली पोर्शन, ये वाली पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक है, और ये वाली जो होती है ये होती है नेगेटिव हाफ साइकिल, ये वाली, ठीक है। तो ये हुआ पॉजिटिव और ये हुआ नेगेटिव। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो थायरिस्टर है ये फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में है। तो फॉरवर्ड बायस में है तो हम लोग इसका ट्रिगर करेंगे, कहां पर ट्रिगर करेंगे, किसी भी एक एंगल पर ट्रिगर कर सकते हैं। लेट से इस एंगल पर एक ट्रिगर करते हैं, देखिए यहां पर मैंने एक पॉजिटिव पल्स दिया, ये क्या दिया, गेट पर पॉजिटिव पल्स दिया मैंने इस पॉइंट पर, ठीक है, पॉजिटिव पल्स दिया। तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव पल्स दिया तो मुझे आउटपुट भी तो बनाना है, तो आउटपुट के लिए मैं यहां वेव ले लेता हूं, ठीक है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि रेक्टिफायर है तो सिर्फ इसमें पॉजिटिव पल्स ही मिलेगी, तो इसका भी मैं नेगेटिव नेगेटिव पोर्शन जो है नहीं बना रहा हूं, ओके। और
इसके अलाइनमेंट को दिखाने के लिए हम लोग जो है यहां से परपेंडिकुलर लाइन जो है हम लोग यहां खींच लेते हैं, इस जगह ये परपेंडिकुलर लाइन हम लोग यहां खींच ले रहे हैं। ओके, ये मैंने परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन मैंने खींच दिया। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, डायोड मतलब थायरिस्टर जो है फॉरवर्ड बायस में और साथ में गेट में ट्रिगर दे दिया, यानी कि SCR टर्न ऑन हो जाएगा। टर्न ऑन हो गया मतलब कनेक्टिविटी बन गई। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में सर्किट डायग्राम कैसा होगा, ये मेरा रहा ये यही थायरिस्टर जो कि कनेक्टेड है, कनेक्टेड है मतलब ये टर्न ऑन हो चुका है, और ये मेरा साइकिल है जिसमें अभी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये मेरी करेंट यहां पर जो सप्लाई है वो जा रही है इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। तो करंट ऐसे करके मूव कर जाएगी, ये करंट मूव करेगी, ठीक है, ये टर्मिनल पॉजिटिव रहेगा, ये टर्मिनल क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल रहेगी। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव है क्योंकि करंट ऐसे करके मूव कर रही है, और ये मेरा सप्लाई है वही VS of T, लेकिन इस समय ये पॉजिटिव सप्लाई दे रही है, तो ये प्लस टर्मिनल मैंने दिखाया, और ये यहां पर करंट ऐसे करके फ्लो कर रही है, यानी कि पॉजिटिव इस समय के बाद यहां पर लेट से ये पीक वैल्यू है, ये क्या है, ये पीक वैल्यू है, दिस वन VM, लेट से ये है आपका V0 of T और ये है VM पीक वैल्यू। तो यहां पर ये जितना पोर्शन है, यहां देखिए ये जितना पोर्शन है ये वाली, ठीक है, ये पोर्शन ठीक यहां अपीयर होगा इस पॉइंट पर यहां, और इसका पीक वैल्यू यहां है तो पीक वैल्यू यहां रहेगी। तो ये वाला यहां से ऐसे जाकर ये यहां अपीयर होगा, यानी कि ठीक जिस समय इसको ट्रिगर किया गया, जिस समय इसको ट्रिगर किया गया जिस एंगल पर, लेट से दिस एंगल इज व्हाट अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज व्हाट अल्फा, अल्फा एंगल पर ये क्या हुआ अपीयर हुआ। तो अल्फा एंगल पर अगर ये अपीयर हुआ तो ये वोल्टेज यहां पर दिखेगा, यानी आउटपुट में आ गई। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहां तक देगा, लेकिन जैसे ही यहां नेगेटिव वोल्टेज अपीयर होगी ये वाली इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जैसे ही नेगेटिव वोल्टेज अपीयर होगी यहां पर, तो ये वाला थायरिस्टर किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में आते ही ये टर्न ऑफ हो जाएगा। तो अगर मैं मोड टू देखूं, यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यहां पर करंट का जो करंट का डायरेक्शन होगा करंट फ्लो, ठीक है, करंट फ्लो क्या होगी VS of T, ठीक है, VS of T का कौन सा टर्मिनल, प्लस टर्मिनल, प्लस से गए यहां पर इसके अक्रॉस करंट फ्लो करेगी, यानी कि IR, ठीक है, R के अक्रॉस, I इंटू R के अक्रॉस जाएगी, और उसके बाद फिर वापस आ जाएगी कहां VS of T माइनस। तो करंट का डायरेक्शन ये है, ये करंट का डायरेक्शन है ना ऐसे करके। तो यहां पर मॉड टू में देखेंगे, ठीक, हम लोग मॉड टू में अगर आते हैं, यानी कि मॉड टू में अगर आएंगे, मॉड टू, मॉड टू का मतलब फोर नेगेटिव हाफ, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब यहां पर, तो यहां पर तो ये रिवर्स बायस है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो ओपन रहेगा, और रिवर्स बायस में गेट में ट्रिगर भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेरा कुछ सर्किट डायग्राम अगर हम देखेंगे तो ये टर्मिनल अभी नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गई है, ये है VS of T, और ये यहां पर क्या हो गया ओपन सर्किट हो गया, कौन, ये थायरिस्टर, ये थायरिस्टर क्या हो गया यहां पर ओपन सर्किट, नो करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टर, ठीक है, आर वी नॉट ऑफ टी बराबर क्या हो जाएगा जीरो, अगर करंट रेजिस्टर के अक्रॉस जीरो रहेगा तो वोल्टेज क्या रहेगी जीरो, यानी कि यहां से यहां इसको क्या वोल्टेज मिलने वाला है जीरो, इस पॉइंट पर इसको कौन सा वोल्टेज मिलने वाला है जीरो वोल्टेज मिलने वाली है, जीरो हो गया। तो ये तो यहां पर आई करंट जो होगी, आई का अमाउंट क्या होगा जीरो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कोई करंट नहीं मिल रहा है मतलब पॉजिटिव मिल रही है, तो हाफ वेव के लिए ही काम किया ये, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव सॉरी सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और जैसे ही ये जब ये सर्किट ठीक इस पॉजिटिव हाफ साइकिल पर पहुंचेगी, यानी कि यहां पर, तो फिर ये यहां पर हम लोग एक जगह पल्स देंगे, इस जगह लेट से यहां पर हम लोग पल्स दिए, ठीक है, तो यहां पर पल्स देंगे तो फिर ये चीज क्या होगा यहां रिपीट हो जाएगी, ये रिपीट हो जाएगी, दिस वन इज व्हाट गेट पल्स, दिस इज गेट पल्स, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी कि हम लोग को पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिल रहा और अल्फा एंगल से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो है जीरो एंगल पर है, ये पाई पर है, ये वाली टू पाई पर है, फिर उसके बाद ये थ्री पाई पर है, फिर उधर फोर पाई जाएगा, ठीक है, और ये जो स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर अल्फा, तो ये नेक्स्ट स्टार्ट जो है यहां पर ये वाली, अगर इसका एंगल यहां से कंसिडर किया जाए, ये
जो नेक्स्ट फायरिंग कितना पर हुआ, तो यहां से यहां तक 2 पाई और प्लस कितना ये वाली एंगल, ये कितना अल्फा, यानी कि पहला फायरिंग अल्फा पे हुआ तो दूसरा फायरिंग कब हुआ 2 पाई प्लस अल्फा पर। ओके, तो ये था क्या हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसको बढ़िया से आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली मुझे सजेशन बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।